खरगोन आबकारी विभाग ने कलेक्टर के निर्देश पर जिले के भिलगांव और सोमाखेड़ी में दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की है और लाखों की शराब की सामग्री जब्त कर दो आरोपियों को धर दबोचा। कलेक्टर गोपाल चंद दाट ने निर्देशित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब की शिकायतें आ रही। तत्काल आबकारी अधिकारी मनीष खरे के निर्देशन में आबकारी टीम और पुलिस बल ने कसरावत के भीलगांव महेश्वर में सोमाखेड़ी में पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान 17 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और 13,500 के लगभग महुआ लहान जब्त कर दो आरोपियों को भी धर दबोचा है। साथ ही हाथ भट्टी और सामग्री भी जब्त की है। जिला सहायक आबकारी राजेश्याम राय ने बताया कि लगभग 12 लाख की लागत की सामग्री जब्त की गई और 16 प्रकरण दर्ज हैं। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। आज जो है माननीय कलेक्टर महोदय से गोपाल चंद डाट जी द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बहुत शिकायत आ रही है। तत्काल जो है हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे द्वारा जो है टीम का गठन किया गया और उनके निर्देशन में हम लोग पूरे खरगोन जिले का आबकारी स्टाफ एवं पुलिस बल के सहयोग के साथ कसरावद में भीलगांव में दबिश दिया गया एवं साथ में महेश्वर के सोमाखेड़ी में दबिश दिया गया। वहाँ दबिश देकर कुल 17 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और 23,500 किलो के लगभग इससे अधिक मतलब 23,500 kg से अधिक महुआ लहान जब्त किया गया और करीब 350 लीटर हाथ भट्टी की शराब जब्त की गई, सामग्री जब्त की गई और दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। अन्य प्रकरणों में आरोपी फरार हैं जिनको अनुसंधान में लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी का शीघ्र प्रयास किया जाएगा। सर कितनी लागत की है शराब? ये करीब लगभग कम से कम 12.5 लाख की ये लागत का ये है सामग्री। सर इसमें आरोपी टोटल कितना है? इसमें टोटल 16 प्रकरण बने हैं, 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और 15 आरोपी और हैं जिनको जो अनुसंधान में है, जिनकी अति शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर खरगोन में आहाते संचालित हो रहे हैं? नहीं, खरगोन में आहाते प्रतिबंधित हैं और किसी भी दुकान में आहाते संचालन का की अनुमति नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।